तो आज का खाना बाहर है और ये है नूडल्स। नूडल्स लेते हैं इसका एंजॉय और देखते हैं कैसे बनाए। पहली बार तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले बात आप लोग को ये बता दूँ कि मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ जर्मनी में, मैं हूँ इंडिया से, और इंडिया से यहाँ पर मैं एक कुक का काम करता हूँ, कुकिंग का काम करता हूँ, और यहाँ पर कुकिंग का काम करता हूँ। यहाँ के जो कुक लोगों के बारे में है, वही लोगों के बारे में कुक लोगों से यूट्यूब पर ऐसे ही आप लोग से बात करते रहता हूँ। कभी भी बात करता हूँ, मतलब जैसे कि छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों की काम की चीज़ें, वो सब चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, फ्री में आपने वो बटन को दबाना है और एक मैम चैनल सब्सक्राइब करना है। अब मेन बात करते हैं ये कि सबसे पहली बात, मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं इतनी सारी, तो उसमें बहुत लोगों का क्या सीन, कुछ कुछ मतलब अना बना, मतलब कुछ जैसे कि बोलते हैं ना, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है तो कुछ ना कुछ पूछते हैं लोग, तो आप लोग भी पूछे, उसमें कोई वो बड़ा इशू नहीं है। पर मुझे उस पर लगा आप लोग से साथ ये बात बताना चाहिए, समझाना चाहिए आप लोग को इसके ऊपर। तो ये बात बताता हूँ सबसे पहली बात, आज का टॉपिक एक्चुअल हम लोगों का ये है कि सैलरी कितनी होती है कुक की। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के कुछ जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दें। तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर जो आप लोग बोलते हो ना कि यहाँ पर CDP की सैलरी कितनी है, कुक की सैलरी कितनी है और थर्ड कॉमे की कितनी होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। यहाँ पर कुक नहीं होता है, मतलब यहाँ पर डिजिग्नेशन नहीं होता है, जैसे कि कॉमी वन, कॉमी टू, कॉमी थ्री, सूसेफ, CDP, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर ओनली कुक, जो आप लोगों को दिल्ली IICA से सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है कुक का सर्टिफिकेट। वहाँ पर कोई डिजिग्नेशन नहीं होता है, वो ओनली सिंगल कुक के हिसाब से आपको यहाँ पर जानते हैं, कुक का हिसाब से जानते हैं, यहाँ पर डिजिग्नेशन नहीं होता है। तो अब जो बातें ऐसी हैं कि मैंने इस वीडियो पर कम से कम बैठ के 4 बार वीडियो बना दिया, 4 बार डिलीट कर दिया, ताकि आज मुद्दा यही है सैलरी का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया सब। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले मैंने कुछ नोट्स बना के लाया था, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना भी मेमोरी क्या है ना, बीच बीच में भूल जाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो शायद कुछ छूटे ना आप लोगों की खातिर। तो शुरू करते हैं और आप लोग प्लानिंग करके आते हैं, कहीं पे भी कुछ वीडियोस वीडियोस बनाना है तो, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आप लोग सुनता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, जो आप लोग कमेंट करते हो कभी भी, तो उसी के हिसाब से अपना भी एक जोश बढ़ता है कि चल यार और एक वीडियो बनाएंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों को और थोड़ा मदद करेंगे जो भी अपने से हो सकता है ना। तो सबसे पहला यही है, आप लोगों का कुक लोग की सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है जर्मनी में? तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को मैं क्लियर में बता दूं, 2500 रुपया से आपका स्टार्ट होता है, 2500 यूरो, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो, आप लोग इंडिया से देख रहे हो तो 2500 यूरो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है जर्मनी में। और ये सैलरी आप लोग ऐसा ना समझें कि जैसे कि आप लोग तुरंत यहाँ पर अराइवल हो रहे हो और आप लोगों का मतलब जैसे आप लोग तुरंत यहाँ पर पहुँच रहे हो और आपको ये 2500 आपके हाथ में मिलेंगी, इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, वो भी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। डिडक्शन बोले तो कुछ कुछ, जैसे कि इंडिया में भी आप लोग सैलरी लेते हो तो उसमें से ये PF कट गया, टैक्स कट गया और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं ना, तो इस पर भी यहाँ पर सेम ऐसे ही सीन है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि जर्मनी में क्या कटता है सैलरी का, इनकम टैक्स वो सभी जगह कटता है। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे इनका जो रूल्स का फॉर्मेट है एक, उस पर बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, चर्च का भी कटता है। चर्च बोले तो जैसे कि आप चर्च के मेंबर हो, या आप चर्च जाते हो, या आपने चर्च में रजिस्टर करवाया है, तो आपको ये सब टैक्सेस भी कटते हैं। पर देखा जाए, जैसे हम लोग अभी हिंदू लोग होते हैं, तो हिंदू लोग पता है आप लोग को चर्च में नहीं जाते, तो हमारा कटता भी नहीं है और हम लोग जाते भी नहीं है और उससे कोई लिंक भी नहीं है। पर जैसे आप लोग कोई अगर क्रिश्चियंस हो, तो आप लोग अगर इसमें चर्च में मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप लोगों का उसका डिडक्शन भी होगा। मैं खाली आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इतना सारा कटता है, और बेसिक बातें मतलब जैसे कि आप इस बातों से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसे होता है क्या वहाँ पे, ठीक है? तो यही बता रहा हूँ, इनकम टैक्स आपने देना है, चर्च का टैक्स अगर आप जाते हैं तो देना है आपने, और तीसरा ये हो गया सॉलिटरी टैक्स। सॉलिटरी टैक्स ये हो गया, आपको पता ही है सॉलिटरी टैक्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि कुछ हम लोग रेडियो या TV का कुछ ऐसा सीन है, मैंने भी सुना था इसके बारे में। तो अगर ये सब चीज़ों में मतलब आप इसको सुनो नहीं सुनो, इसको देखो ना देखो, इसने आपने लगवाया या नहीं लगाया रूम पर,
उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसका भी आपने टैक्स देने पड़ते हैं, सॉलिटरी टैक्स बोलते हैं इसको। और आपका सबसे बड़ा मेन ये हो गया यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ का भी यहाँ पर दो बोलते हैं लोग कि दो टाइप का इंश्योरेंस है यहाँ पर अपना जो अपने को रजिस्टर करना पड़ता है वो होता है यहाँ पर ओका करके, उसको बताते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था उसका, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि उसको भी आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है वो करना। तो वो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने उस वीडियोस में ऑलरेडी बताया, वो वीडियो आपको जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि अगर माना सपोज कभी आपने यहाँ पर जॉब छूट गई, जैसे कि किसी कारण आपका जॉब का मतलब रेस्टोरेंट में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी नौकरी छूट गई, तो आप क्या करोगे? तो आप मतलब यहाँ पर कोई डरने का सीन नहीं होता एक्चुअल। हो सकता है आप थोड़ा उनको रिस्पेक्ट करके कुछ बातें कर सकते हो, अगर आपका कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी समझ लो, एक एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी चीज़ें समझ लो कि किसी कारण आपकी नौकरी छूट गई, तो आपका ये टैक्स भी कटता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए आपने जैसे ही जॉब छूटी तो उसके इमीडिएट वहाँ पर उसको बताना है कि हमारी जॉब छूट गई है, आई एम अ जॉबलेस, सो आई डोंट हैव एनी जॉब। तो आपने ये सब बताना है वहाँ पर जाके, इसका कुछ फॉर्म फिलअप्स करने हैं, और आपके वो लोग आपको इसमें भी हेल्प करते हैं यहाँ पर कि आपको जॉब ढूंढने में और आपका जो खर्चा होगा उसका, उसमें भी आप लोगों को मतलब एक जहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हो तो उसके बाद जैसे आपका खुद का कमरा है तो आप अपने घर में रह सकते हो, और उसका जो आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का भी मतलब कटता भी है और कटने के बाद आपको मिलता भी है। तो बहुत लोग इस कैर इंश्योरेंस बोले तो जैसे बच्चे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, तो हम लोगों को एक्चुअली जो कुक्स लोग हैं उन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है ये। जैसे कि अगर आप लोग कोई फैमिली के साथ आ रहे हो तो धीरे धीरे यहाँ पर भी आके लोग सीख जाते हैं सब चीज़ें, उसको मैटर करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और जैसे तो अब आप लोग आओगे तो पहले अकेले ही आते हैं, उसके बाद में आपका फैमिली का प्लानिंग करोगे, बताओगे, दिखाओगे, तो तब तक आप भी एकदम फिट हो जाते हो हाल फिलहाल बेसिक नॉलेज। और अभी लास्ट वाला पॉइंट बोलूँगा, सातवां, वो है पेंशन। पेंशन बोले तो जैसे कि अगर किसी ने माइंड सेट करके रखा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 4 साल काम करना उसके बाद तुरंत इंडिया जाना है, तो वो आपका पेंशन भी यहाँ पर डिडक्शन होता है। तो ओवरऑल सब बोलते हैं ना 42% आप लोगों का सैलरी से डिडक्शन होकर आपका बाकी जो सैलरी है आपके हाथ में आती है। अब मैं इतना जानता था, मैंने आप लोग के साथ इतना सारा शेयर कर दिया हूँ, जैसे कि पेंशन मैंने लास्ट में जो आप लोगों को ये समझाया कि पेंशन जो आपको कटती है तो साल में कम से कम 4 साल के बाद जब आप रिटर्न जाते हो, तो सुनने में आया था कुछ बातें कि आप 1-1.5 साल के बाद कुछ वहाँ पर जाके आपने वो अप्लाई करना है और वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, वो भी एक 18% आप लोगों का जब कट रहा है यहाँ पे 18.6 करके कटता है, तो उसका आपको मिल जाएगा अराउंड एक 7-8 लाख रुपए के आसपास, मैंने सुना हूँ इतना तक मतलब आ जाता है एक कुक का जो यहाँ पर टैक्सेस कट रहा है, कटता है, और उसके बाद उनको मिल जाता है रिफंड वो इंडिया में रिटर्न से। अगर आपका प्लानिंग कुछ और है तो समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब, तो वो भी आपको मिलेगा जो अभी आप लोग कर रहे हैं, तो उसको तो आप लोग अप्लाई करके लेना ही है, तो उसको बोलते हैं पेंशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा, और पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इसमें मैं कुछ कुछ बातें मतलब अपनी तरफ से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने देखा हूँ, जो मैंने सुना हूँ, जो मैंने देख रहा हूँ। अगर हो सकता है इसमें मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, और हो सकता है इसमें मैंने कुछ छोड़ा होगा, तो हम इस पर फिर से दोबारा बात करेंगे। और ये सैलरी पार्ट पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो जब मैं नया था यहाँ पर उस पर मैंने वो टाइम पर बनाया था, और उस पर मैं उस टाइम पर मैं इतना ही जानता था, इसलिए मैंने वैसे वैसे ही बातें की वहाँ पर कि बियर की बोतलें यहाँ पर इतनी सस्ती मिलती हैं और ये इतना टी शर्ट इतने का मिलता है, तो उस टाइम पर मैं उतना ही जानता था, उस टाइम पर मैं उतना ही नया था वहाँ पर, तो अभी भी मैं इतना ही जानता हूँ, और इसलिए हिसाब से आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं पर गलत है तो आप लोग ज़रूर बोल सकते हो। तब तक के लिए लेता हूँ आप लोग से विदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो ये 2500 में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ऐसा ना समझे ये सैलरी मेरी है या आपकी हो सकती है,
ये उनकी है जो लोग मतलब यहाँ पर एकदम परफेक्ट हैं हर चीज़ में, मतलब जानते हैं हर चीज़ को, और उन सब चीज उन लोगों के लिए है वो। तो ये जो नए आएंगे यहाँ पर, नए नए लोग, तो हो सकता है उनको थोड़ा कम भी मिल सकती है, और थोड़ा दिन जब आपने यहाँ पर काम कर लिया तो थोड़ा बहुत आपको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। तो मतलब मैं ऑन एन एवरेज में आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 2500 बता रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर भी मिल सकती है आपको, आपका जो।